हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी गाइड। तो दोस्तों, चैनल स्टडी गाइड में फिर आप सभी का एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि चल रहा था पावर ग्रिड ईयर वन का सॉल्व चल रहा था और उसका आंसर की डिस्कशन कर रहे थे हम 13/9/2018 में जो एग्जाम हुआ था, तो उसका 9th सेशन। ठीक है, ये 9th सेशन बहुत सारा सेशन चल रहा है क्योंकि पहले मैं टेक्निकल कर रहा था, उसके बाद आपने बोला कि नॉन टेक्निकल पूरा करा दो, तो मैंने पूरा नॉन टेक्निकल का इंग्लिश करा दिया, मैथ करा दिया, जीआई का एक सेशन करा दिया। तो ये जीआई का आखिरी सेशन रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो आएगा वो टेक्निकल का ही सेशन रहेगा। ठीक है, और जो लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे होंगे, पिछला वाला वीडियो, तो उसको हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर इस वीडियो सारे वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम आज देखेंगे कि लास्ट कुछ जीआई बचा हुआ है, तो वो जीआई कौन सा है। कुछ जीआई बचा हुआ है वो सारे जीआई करके, और हम एक छोटा सा चीज़ यहाँ पर थोड़ा करेक्ट करा दे, आपको जो रहेगा 120 टेक्निकल रहेगा, 15 इंग्लिश रहेगा, और आपका 15 जीआई रहेगा और 20 मैथ्स रहेगा। ठीक है, मतलब 15 15 30 30 प्लस 20 50 और 120, मतलब 170 टोटल, 170 ऐसा करके पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, यह पर थोड़ा गलत है, यहाँ पर 1 और 3 विल वन आइदर 1 और 3 होगा। देखो, सम बिस्किट आर केक, ठीक है, सम केक आर हर्ब, सम हर्ब्स आर फूड। या कोई इरेज करना पड़ेगा, सम फूड आर डाइट। तो यहाँ पर क्या क्या कंक्लूशन है। ठीक है, तो इस एक तरह का ही फिगर होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं, और दूसरी तरह के भी फिगर होता है। ठीक है, नो बिस्कुट्स आर डाइट, देखो बिस्कुट के साथ डाइट का रिलेशन हमें पता नहीं। ठीक है, बिस्कुट के साथ डाइट का रिलेशन हमें पता नहीं, दिया नहीं गया है। और कंक्लूशन 3 में क्या बोला गया, सम बिस्कुट्स आर डाइट, कोई बिस्कुट डाइट नहीं है या तो सम बिस्कुट डाइट है। तो हम ऐसा करके फिगर ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें कुछ बिस्कुट डाइट होता होगा, कुछ बिस्कुट डाइट होगा, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर देखो, नो फूड इज केक, नो फूड इज केक, रिलेशन मालूम नहीं। ठीक है, सम बिस्कुट्स आर फूड, सम बिस्कुट्स आर फूड, रिलेशन मालूम नहीं, लेकिन 1 और 2 3 जो है इन दोनों में एक तो सही होगा, आइदर तो नो बिस्कुट्स आर डाइट या तो सम बिस्कुट्स आर डाइट, इसलिए जो आंसर होगा वो आइदर 1 और 3 फॉलो करेगा, आइदर 1 और 3, आइदर 1 और 2 नहीं। ठीक है, नो फूड इज केक, ठीक है, नो फूड इज केक, ठीक है, ऐसा अगर हम ऐसा फिगर ड्रॉ करें, बिस्कुट केक, बिस्कुट केक, सम, ठीक है, ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं ना, फूड मतलब सम केक आर, नो फूड इज केक, ठीक है, नो फूड इज केक, या तो कुछ सम बिस्कुट्स आर, सम बिस्कुट्स आर फूड। ठीक है, तो ऐसा करके कुछ फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसका रिलेशन पता नहीं कि कौन सा फिगर करेक्ट होगा, इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं, उन लोगों ने दिया है आइदर 1 और 3 फॉलोज, लेकिन मैं कहता हूँ आइदर 1 और 3 फॉलोज, नॉट 1 और 2, इस दोनों में कोई एक होगा ही होगा, आइदर नो बिस्कुट्स आर डाइट या तो सम बिस्कुट्स आर डाइट। ठीक है, ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्या है, एक सीरीज़ दिया हुआ है, देखो सीरीज़ क्या है, 105 124 11 13 30 17 ? देखो 1 1 के बाद 1³ - 1, ठीक है, 5 5 के बाद 5³ - 1, ठीक है, 5 क्यूब कितना है, 125 - 1 124, 11³ - 1 कितना होता है, 1330 - 1 1331 - 1, ये क्या होगा, 17³ - 1, मतलब 4913 - 1, दैट इज़ 4912। ठीक है, बस आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप जीआई में एक्सपर्ट होना चाहते हो तो। यहाँ पर एक सीरीज़ दिया हुआ है आपके साथ, आपके सामने एक सीरीज़ दिया हुआ है, तो वो सीरीज़ क्या होगा, देखो AEAEIZEIMVIMQROSWL, तो मैंने ये सारा देखा, मैंने झट से क्या देखा, ई के साथ +4 करो,
ए के साथ प्लस फोर करो ई आता है, ई के साथ प्लस फोर करो आई आता है, इसके बाद सिक्स ऐड करो प्लस सिक्स ऐड करो ओ आता है, इसके बाद भी प्लस सिक्स ऐड करो ठीक है यू आएगा। तो लॉजिक क्या चल रहा है, प्लस फोर प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस सिक्स, ई के साथ फोर ऐड करो आई आएगा, आई के साथ फोर ऐड करो एम, आई के साथ फोर ऐड करो एम आएगा, एम के साथ सिक्स ऐड करो एस आएगा, एस के साथ सिक्स ऐड करो वाई आएगा ठीक है। ये सब जो चीज़ मैं फास्ट बताते जा रहा हूँ क्योंकि ये सब देखो ये प्रैक्टिस के द्वारा आता है। आई के साथ प्लस फोर ऐड करो एम, एम के साथ प्लस फोर ऐड करो क्यू, क्यू के साथ प्लस फोर ऐड करो डब्ल्यू, डब्ल्यू के साथ क्यू के साथ प्लस सिक्स ऐड करो, लॉजिक वही प्लस फोर प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस सिक्स, बस एक एक लेटर को चुनो और प्लस सिक्स करो तो ये आएगा यू वाई सी एफ। बहुत अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए प्लस फोर प्लस सिक्स का ठीक है। रिगार्डिंग सीरीज़ के रिगार्डिंग हमने बहुत सारा वीडियो दिखाया है तो वो भी आपको फॉलो करना है ठीक है। ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न सिलेक्ट द ऑप्शन। तो बहुत सारे बच्चे क्लॉक देखकर क्लॉक का कुछ कंसेप्ट यहाँ पर खड़े कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई क्लॉक फ्लॉक का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ ये देखो 9:05 8:53 इसका मतलब क्या होता है, माइनस होता है कितना 12, 8:53 इसके बाद 8:29 इसका मतलब माइनस कितना होता है 24 ठीक है। कितना माइनस होगा 24 तो 8:29 का मतलब कितना होता है 29, यहाँ पर 30 से ऐड करो 23 प्लस 1 24 ठीक है, तो 24 होगा। यहाँ पर 8:29 से 7:53 माइनस करो तो कितना होगा -36 ठीक है, -36 मतलब -12 -24 -36 और यहाँ पर -48 का लॉजिक, -48 का लॉजिक मतलब 753 -48 मतलब 7:05 होगा, इस तरह आएगा। कोई क्लॉक का कुछ क्लॉक का कॉन्सेप्ट मत यूज़ करो, वो नहीं आएगा। यहाँ पर देखो ये जीआई सेशन का आखिरी सवाल है ठीक है, हमारा जीआई सेशन जो होगा उसका आखिरी सवाल है, तो हम देख लेते हैं इसको कैसे किया जाए। इसके बाद देखो जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या है, 3 है ट्रायंगल है, मतलब इसका साइड कितना है 3, इसका साइड कितना है 4, इसका साइड कितना है 5, इसका साइड कितना है 6, इसका साइड कितना है 7, तो बाद में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा 8 ठीक है। आपका ऑब्जर्वेशन पावर ही आपका जीआई का स्पीड बढ़ा सकता है। देखो 1 2 3 4 5 6 6 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो सकता है और ये हो सकता है, लेकिन आपका इसका अंदर देखो 3 4 इसका अंदर 3 4 5 6 7 एक एक डिवीज़न हुआ है, तो वो डिवीज़न सिर्फ 5 में ही है ठीक है। पहले तो मैंने ढूंढ लिया कौन कौन हो सकता है ठीक है, 3 4 साइड है 3 4 5 6 7 इसके बाद जो साइड होगा वो 8 का साइड होगा, 8 का साइड यहाँ पर फिगर में 1 और 5 में है, और इसके बाद जो है जो क्रॉस क्रॉस करके है वो अंदर जो है वो 5 है ठीक है, वो अंदर 5। तो यहाँ पर सेशन खत्म होता है ठीक है, जीआई का पूरा कंप्लीट कर लिया, इसके बाद जो सेशन आएगा वो हर एक का टेक्निकल सेशन आएगा ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो जो पावर ग्रिड देने जा रहा है 14th में, और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।